गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड। देखना, इसमें सबसे पहले हम अपने बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं, तो इसकी कुछ बारीकियाँ जानेंगे। शुरू करते हैं पहले अक्षांश, लेटिट्यूड ये क्या होते हैं। इससे पहले देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। देखना, ग्लोब एक काल्पनिक जो पृथ्वी है उसका चित्रण करने का प्रयास किया गया है, और सबसे पहले इसका प्रयोग मार्टिन ने किया था। ग्लोब जो बनाया था सबसे पहले मार्टिन बेहम, ये कहाँ के थे, एक जर्मनी भूगोलविद, जर्मन, ये जर्मनी के मूल निवासी थे, और वहाँ का एक शहर है बर्न, ब्लूम बर्न या कुछ ऐसा कुछ नाम है, ब्लूम बर्न। यहाँ पर सबसे पहले एक मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया, और जो अक्षांश देशांतर जो मानचित्र बनाया गया था, ये उससे भी पहले टोलमी एक भूगोलविद हुए हैं यूनान के, टोलमी, PTLOMY, इन्होंने सबसे पहले लेटिट्यूड और लोंगिट्यूड का प्रयोग किया। यानी कि जो ग्लोब अगर हम इसको मानते हैं तो ये इस पर काल्पनिक रेखाएँ खींची गई हैं जो फिक्टिशियस लाइंस होंगी, हमें किसी स्थान विशेष की जानकारी देने के लिए कि उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या होती है। तो देखते हैं अक्षांश, तो अक्षांश पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एक एक डिग्री के अंतराल पर दोनों गोलार्धों में खींची गई है, जिनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग मानी गई है। अगर ये हम एक पृथ्वी ग्लोब मानते हैं गोलाई में, जहाँ पर देखिएगा आप, एक गोलाई हमने ये लिया सर्किल, और इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची गई 0 डिग्री अक्षांश पर, ये 0 डिग्री, तो इसे किस में दो भागों में बांटता है, एक को उत्तरी गोलार्ध, एक दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध, ये तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो जो पूरा एक ये ग्लोब लिया है, इसमें 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये वाली लाइन भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन पृथ्वी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। फिर इस पर एक एक डिग्री के अंतराल पर रेखा खींची गई है काल्पनिक। एक एक डिग्री का अंतराल कैसे आ जाएगा, ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 1 डिग्री हो जाएगा, इधर से भी 1 डिग्री का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे हम, है ना। तो यहाँ से क्या, एक एक डिग्री के अंतराल पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में, दक्षिणी गोलार्ध में भी, और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 111.13 या 1.2, ये तो लगभग में इतने किलोमीटर्स होती है। इस बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, गोरे, GORE, हिंदी इंग्लिश में ये नाम होगा इसका, गोरे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.12 या 1.3 किलोमीटर, और इस दूरी को क्या कहा जाएगा, गोरे। पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एक एक डिग्री के अंतराल पर एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं यहां तो हमने 2-3 ही खींची है समझाने के लिए, चूंकि इनका नामकरण किया गया है, कुछ और इनको नाम दिया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर हो जाएंगी, और यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में खींची गई है, नॉर्थ, 66.5 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, आर्कटिक, आर्कटिक सर्किल, यानी कि आर्कटिक एक वृत्त, ये 66.5 डिग्री, और सेम यही के यही ये दूसरे गोलार्ध में भी होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, साउथ पर, इसे हम क्या कहेंगे, मकर रेखा, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही अगर 66 डिग्री हम साउथ की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो रेखा होगी, ये क्या कहलाती है, आर्कटिक वृत्त, यानी कि ये सॉरी अंटार्कटिक, आर्कटिक तो नॉर्थ में हो जाएगा और साउथ में अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल। और दक्षिण में अगर और आते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव,
ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ये उनका कुछ नाम ऐसे दिया गया। और नॉर्थ में 90 डिग्री पर होगा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो एक बार फिर से देखिएगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा किसको बांटती है, पूरे पृथ्वी ग्लोब को दो भागों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर उत्तरी गोलार्ध में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ये हो जाएंगे क्या, लेटिट्यूड। हमने लेकिन 0 के बाद में 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये तीन ही लिए हैं, चूँकि इनकी कुछ विशेषताएँ हैं जो हम क्लाइमेट को प्रदर्शित करेंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री आर्कटिक, आर्कटिक सर्किल बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री पर साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर 111 किलोमीटर की जो बीच की डिस्टेंस है उसके समानांतर खींची रहती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या बताएं है, गोरे, गोरे कहलाती है। वैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये अक्षांश प्रदर्शित, और ये देशांतर लोंगिट्यूड। पहले हम अक्षांश देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ पर और ध्यान देंगे, देखना डिग्री जो कोण बनता है, डिग्री तो ऐसे बनता है कि जब दो लाइनें होती हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे हम अगर हम बनाते हैं 30 डिग्री का कोण, ये बनेगा इस लाइन को, ए बी को इसने यहाँ पर काटा है सी पर, ये लाइन हो तो ये 30 डिग्री का कोण हमें बनाना है, 60 का इससे और ऊपर हो जाएगा, ये कितना 60 डिग्री, 90 डिग्री बनाए तो यहाँ पर, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर कोण बनता है थीटा या जो भी एंगल होगा। तो सवाल ये हुआ, इसमें तो ये एक दूसरे के पैरेलल, फिर कोण कहाँ बनता है, डिग्री हमने यूज क्यों किया इसका। तो इसका आप लॉजिक समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो। देखना, ये ग्लोब लेते हैं हम, तो ग्लोब पर 0 डिग्री क्या आपको बताया अभी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये ध्यान से समझना आप। ये केंद्र बिंदु हो जाएगा 0 डिग्री, इसको हमने 0 बेस माना है, पृथ्वी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। हम यहाँ पर मान लीजिए ये मानते हैं 30 डिग्री 30, और यहाँ भी 30 डिग्री, तो क्या करते हैं, जैसे कंपास से आपने देखा होगा जो चंदा होता है उसे रखकर ये लाइन ओवरलैप कर लेते हैं हम, और 30 डिग्री यहाँ पर मार्क कर देंगे, ये कितना हुआ 30 डिग्री, और इधर भी ऐसे ही सेम कंडीशन 30 डिग्री का उसमें मार्क करेंगे, है ना, जो लाइन ओवरलैप करते हैं, कंपास की मैं बात कर रहा हूँ, चंदा जो होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री हमने मार्क किया, 30 डिग्री यहाँ, तो हमने ये लाइन ऐसे नहीं मिलाई यहाँ पर 30 की, है ना, उससे मान लो हम 40 की बनाते तो यहाँ पर बन जाती 40 40, और ये एक एक डिग्री के अंतराल पर हैं, तो एक एक डिग्री में तो बहुत सारी फिट तो लाइन ही लाइन होती इस ग्लोब पर, हमारे इसमें कुछ भी समझ ना आता, ना कुछ दिखाई देता, एक एक डिग्री के अंतराल पर ऐसी लाइन खींचते। लेकिन भूगोलविदों ने क्या किया, ये ऐसे नहीं बनाया, इसमें जितने डिग्री हमें लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में बनानी है, भूमध्य रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा पर 30 डिग्री अगर यहाँ बनाते 30 यहाँ, तो उन्होंने ये वाली लाइन ना मिलाकर सीधे इन दोनों लाइन को मिला दिया यहाँ पर, ये बीच में से हटाया गया है, ये समझने के लिए, चूँकि इस पर ज़्यादा डेंस ना हो जाए फिर। और अगर हमें करना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का यहाँ पर मार्क करेंगे, 60 डिग्री का इसे केंद्र मानते हुए 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, 60 डिग्री दोनों 60 60 डिग्री, ये लाइन यहाँ ना मिलाकर, देखना 60 डिग्री ये बनेगा, लेकिन ये लाइन नहीं बनाई उन्होंने, क्या किया 60 और 60 को मिला दिया गया ऐसे ही, फिर यहाँ पर 80 या 80 को मिला दिया गया ऐसे, यहाँ पर 23.5 डिग्री या 30 डिग्री, 60 डिग्री 80 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये जो अक्षांश रेखा है कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं, दोनों तरफ का एंगल का जो मार्क था वो आपस में दोनों को मिला दिया गया, ये लाइन ऐसे नहीं चलाई उन्होंने, जबकि 30 डिग्री का कोण ये बनता है, ये भी 30 डिग्री होगा, तो हमने 30 मार्क और 30 मार्क को आपस में मिला है, इन दोनों को कनेक्ट किया है, उससे क्या ये अक्षांश प्रदर्शित होते हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे, लेटिट्यूड। ओके, तो एक एक डिग्री के अंतराल पर इसमें आपको क्या बताया कि गोरे क्या आ जाएगा, गोरे यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दो अक्षांश होंगे इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो जाएगी, इसे हम गोरे कहेंगे। तो
सवाल यह है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर खींची गई है? उत्तरी गोलार्ध में 30.5 डिग्री पर, और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दक्षिणी गोलार्ध में 30.5 डिग्री पर। 66 साउथ में क्या बनेगा? दक्षिण में अंटार्कटिका व्रत बनेगा, और आर्कटिक व्रत कहाँ बनेगा? 66 डिग्री नॉर्थ में। और उत्तरी ध्रुव क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ में ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ओके, अक्षांश में अगर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम अक्षांशों का मान बढ़ते हैं, दोनों गोलार्धों में जैसे जैसे अक्षांशों का हम मान बढ़ते हैं, यानी कि 0 डिग्री से हम 90 की तरफ जैसे भी जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता है, अक्षांश का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान कम होगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान कम होगा या घटेगा। जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ाते हैं तो तापमान कम होता है, यानी कि ठंड बढ़ती जाती है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं सहारनपुर की, तो लगभग ये 23 डिग्री 23 या 24 के बीच में आता है, और कश्मीर का जो लेटीट्यूड होगा जम्मू कश्मीर का वो आ जाएगा 38 डिग्री, क्योंकि हमारी जो ये है एक लेटीट्यूड अक्षांश पूरे भारत का ये 8 डिग्री से 37 डिग्री है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं 37 डिग्री पर होगा, हम यहाँ अगर चलते हैं 30 या 24 डिग्री से और 37 की तरफ, तो वहाँ तापमान कम होता जाता है, बर्फबारी होती है वहाँ पर। तो दोनों गोलार्धों में जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ते हैं, हम कहाँ से? भूमध्य रेखा से हम पोल की तरफ जैसे ही चलेंगे तो वहाँ तापमान कम होता जाता है, यानी कि सर्दी बढ़ती जाती है। दूसरा या ये कहिए कि अक्षांश बढ़ने पर उसमें जो तापमान में गिरावट आई, उस वजह से क्या होती है? ठंड बढ़ती है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, जैसे जैसे अक्षांश का मान घटता है तो तापमान बढ़ता जाता है, यानी कि अक्षांश को अगर हम कम करेंगे, अक्षांश अगर कम होता है माइनस में, तो इसका जो ताप होगा तापमान बढ़ता हुआ जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अक्षांश के आधार पर हमें क्या अनुमान लगाते हैं, हम अक्षांशों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो भूगोलविदों की ये एक अनुमान था कि अक्षांश बढ़ने पर उसकी जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज होती है। देखना जलवायु क्या होती है, एक सिंपल लाइन में अगर देखें, कभी आपसे पूछे कोई कि जलवायु क्या होती है और आप उसका संधि विच्छेद करके बताएं कि जल प्लस वायु बराबर जलवायु, ऐसा नहीं होगा। क्लाइमेट या जलवायु हम किसे कहते हैं? जलवायु के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, दो मुख्य भाग, क्या? एक तो तापमान, टेम्परेचर, तापमान, और प्लस वहाँ का वायु दाब, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जलवायु। तो जलवायु में परिवर्तन होता है, कब होता है जलवायु परिवर्तन? जैसे जैसे हम अक्षांश का मान बढ़ते हैं या कम करते हैं, दोनों गोलार्धों पर लागू होगी। और ये बात, तो जलवायु का मीनिंग क्या होता है? तापमान और वायुमंडल। अक्षांश से हम किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि उसकी जलवायु में परिवर्तन कितना हुआ है? तो जैसे हम बढ़ेंगे ऊपर, वायुदाब भी चेंज होता जाएगा और तापमान भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही तो हमने क्या क्या इसमें अभी तक किया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी गोरें और अक्षांश बढ़ने पर तापमान में परिवर्तन। एक और देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि कितने डिग्री अक्षांश रेखा जो होगी ये भूमध्य रेखा की आधी या तिहाई या फिर उसका छठा भाग होगी। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। अक्षांश का मान अगर होता है 60 डिग्री अक्षांश पर जो मान होगा, यानी कि ये 66 डिग्री इससे थोड़ा कम कहिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी, समझिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अक्षांश की जो डिस्टेंस होगी वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। इसकी जो डिस्टेंस यानी कि लंबाई, 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई, या सर्किल आप कहिए, सर्किल में हम निकालेंगे फिर इसमें परिधि, सर्कमफेरेंस वो इससे कम हो जाएगी, इससे आधी हो जाएगी। तो अक्षांश 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिण में भी, इसकी जो दूरी होगी ये भूमध्य रेखा की कितनी? भूमध्य रेखा की 1/2 आधी हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस हम 100 यूनिट लेते हैं तो ये 60 वाली कितनी हो जाएगी? 50। अगर इसका सर्कमफेरेंस
यानी कि एक सर्किल बनाएगा। ये तो इसके गोलाई में होगा तो एक सर्किल बनेगा। सर्किल की हम परिधि निकालते हैं तो परिधि में अगर लंबाई देखते हैं जो इसकी परिधि है भूमध्य रेखा पर इस बड़े सर्किल की 60 डिग्री पर उसकी आधी हो जाएगी भूमध्य रेखा की। और अगर 80 डिग्री अक्षांश हम देखते हैं 80 डिग्री पर भूमध्य रेखा की 1/6 भाग होती है, 1/6 भाग भूमध्य रेखा का। यानी कि अगर ये 100 यूनिट हैं तो हम इसे 6 से भाग करके उसका छठवा भाग होगी 80 डिग्री पर। ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई की आधी है, या फिर दूसरे शब्दों में कि किस अक्षांश पर जो सर्किल होगा बना हुआ वृत्त का सर्कमफेरेंस परिधि किसकी परिधि की आधी होगी। तो सबसे बड़ा जो सर्किल बनता है वृत्त वो 0 डिग्री पर बनता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा की आधी हो जाएगी और 80 डिग्री पर 1/6 भाग हो जाएगी। आप इसे चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ओके। अच्छा जी, एक इसमें आता है क्वेश्चन कर्क संक्रांति मकर संक्रांति, कर्क समर सोलेस्टिक विंटर सोलेस्टिक, या फिर कैंसर सोलेस्टिक और कैप्रिकॉर्न भूमध्य रेखा के। चलिए वो दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे उसको, ये दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो अक्षांश से क्या बनते हैं कि एक तो गोरे हमने पढ़ा इसमें, और 0 डिग्री पर क्या होगा और कर्क रेखा कितनी डिग्री पर होगी, और अक्षांश से हम क्या करते हैं, क्या होता है इससे कि जलवायु परिवर्तन का मेजरमेंट करते हैं हम, उसकी अनुमान लगाते हैं कि कैसी जलवायु किस स्थान की है। अब आते हैं, हम बात करते हैं देशांतर की। देखना, देशांतर लोंगिट्यूड की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं कि लोंगिट्यूड क्या होते हैं, पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, परिभाषा क्या होगी इसकी, पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और 111.32 किलोमीटर के डिफरेंस पर होती हैं। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो भूमध्य रेखा पर होती है। तो पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, हालांकि ये समानांतर नहीं होंगी, सर्किल बनेगा, लेकिन एक ओवरऑल पूरा है इसमें सर्किल, सभी सर्किल का अगर सर्कमफेरेंस की बात करते हैं वो बराबर ही होता है। ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये तो हमने अक्षांशी बनाए हैं भूमध्य रेखा, या इसी का नाम विषुवत रेखा, विषुवत इक्वेटर लाइन। ये 0 डिग्री जो माना गया है यहाँ पर पोल, ये साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को हम GMT बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच कहाँ पर, इसको मध्याह्न माना गया है, लंदन का एक कोई गांव जैसे हमारी मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है तो वहाँ ग्रीनविच से निकलती है 0 डिग्री। इसके अनुमान हम क्या करते हैं, देशांतर से हम समय का अनुमान लगाते हैं, समय और दिन का अनुमान लगाते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे GMT है यहाँ पर, एक देशांतर ये बना है, ऐसे क्या बने देशांतर। तो इनके बीच की अगर दूरी की हम बात करते हैं, ये कितना 111.32 किलोमीटर, दो देशांतरों की यानी कि लोंगिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होगी 111.32, और ये क्या कहलाएगी, गोरे GORE। ऐसे ही हमने अक्षांश में बताया था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी, गोरे, और दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे। इससे हम क्या अनुमान लगाएंगे देशांतर से, इससे समय और दिन का अनुमान लगाते हैं, समय और दिन का अनुमान। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने एक्सिल पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, रोटेशन, घूर्णन। देखना, घूमना और चक्कर लगाना बहुत आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घूमते क्या हैं, जैसे हम ऐसे ही एक्सिल पर घूम जाए इसको तो घूमना बोलेंगे, और अगर हम किसी के चक्कर लगाते हैं, कोई बिंदु केंद्र में है उसके चारों तरफ, वहाँ पर क्या जाएगा, चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यही कारण है कि सूर्य हमें पूरब में दिखाई देता है, जबकि पहले हमने वीडियो में भी चर्चा की थी कि दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, इसलिए वहाँ पर जो सूर्य उदय है मॉर्निंग वो पश्चिम में होते हैं। कौन कौन से, वो शुक्र और अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस, इन दोनों पर क्या होगा कि सूर्य उदय पश्चिम में होता है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर क्या कि सूर्य उदय पूरब में होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है ऐसे।
और ये एक दिन में कितना घूमेगी, 360 डिग्री, अगर इसकी कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन देखिएगा, थोड़ी समझने वाली है कि एक तो ये फैक्ट हुआ क्या कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है एक दिन में, 24 घंटे में, 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूमती है, 360 डिग्री। एक घंटे में कितनी घूमेगी हमारी पृथ्वी, 360 और बट्टे कितना आ जाएगा, 24, तो ये कितना आ जाएगा एक घंटे में, 15 डिग्री देशांतर एक घंटे में घूमती है, 15, हाँ ठीक है जी, 15 डिग्री। तो एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूमी, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, किस दिशा से, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, एक घंटे का अगर हम मिनट बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूमती है, 15 डिग्री। अच्छा, एक घंटे का अगर हम मिनट बनाएं तो 60 मिनट, 60 मिनट में हमारी पृथ्वी कितनी घूमेगी, 15 डिग्री। अच्छा, आप इधर ले आइए, एक मिनट में कितनी आ जाएगी, एक मिनट में हमारी पृथ्वी 15/60, 15 × 60 यानी कि 1/4 डिग्री, एक मिनट में कितनी बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक डिग्री घूमती है 4 मिनट में, हमारी पृथ्वी एक डिग्री 4 मिनट में घूमती है, और एक घंटे में कितनी, 15 डिग्री, 15 डिग्री एक घंटे में और एक डिग्री 4 मिनट में। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए कैलकुलेशन को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं कि एक डिग्री कितने समय में घूमती है और 15 डिग्री कितने समय में घूमती है, चूँकि एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, सर्किल हो गए तो सर्किल के जो एंगुलर वैल्यू होती है 360 होती है, वो 360। आप ये नोट कीजिए, क्वेश्चन फिर ऐसे आते हैं इस पर आधारित कि भारत का यदि समय इतना हुआ है तो इसी समय दूसरे देशांतर पर समय क्या होगा। जैसे एक बार क्वेश्चन था कि भारत का जो समय है वो यहाँ सुबह के 8 बजे हैं, तो इसी समय मिस्र काहिरा में क्या समय होगा, है ना, तो जो पश्चिम का समय होगा वो हमारे से पीछे होगा। हम खैर उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल क्या होता है। आइडियल पृथ्वी ग्लोब को अगर हम ऐसे खोलते हैं, चूँकि ये जो सर्किल दिखाया गया है, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड के आकार का एक चार्ट बनेगा जब इसको हम खोलेंगे ऐसे, पृथ्वी तो गोल दिखाई गई है, तो यहाँ पर दो आइडियल निकलेंगे अगर हम इसको खोल दें तो इस शेप में, ये तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री पूरब होगा, ईस्ट, और ये वेस्ट हो जाएगा। 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये क्या हो जाएंगे IDL, और ये क्या IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। IDL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दोनों लाइन एक ही हैं, लेकिन इसमें चित्र में हम दो लाइन दिखाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर इसको ऐसे बनाएं तो पीछे से मिल जाएंगी दोनों, ये वेस्ट में दिखाएंगे, ये ईस्ट में दिखाएंगे, और 0 डिग्री को हम GMT कहेंगे। तो GMT जो भारत की लोकेशन है हमारी, हम पूर्वी देशांतर के देश है, पूर्वी देशांतर हमारी लोकेशन क्या आती है, यहाँ पर अक्षांश में तो आएगी 8 डिग्री से 37 डिग्री। वैसे अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो वहाँ पर इंदिरा कोल एक जगह है, इंदिरा पॉइंट, उसमें 6 डिग्री से मेजर करते हैं ये तो ही 8 से 37, और अगर देशांतर की बात करते हैं तो ये आ जाएगी 68 से 97 डिग्री। भारत की लोकेशन ये है, लेकिन 82.5 मानते हैं, 82.5 से गुजरते हैं। तो इंडिया कहाँ पर है, एक तो पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत की लोकेशन कर्क मध्य से गुजरती है भारत के, ये यहाँ पर, ये इंडिया की लोकेशन। इधर से इंडिया का हम क्या मानेंगे, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ये इंडिया की लोकेशन है, 82.5 ईस्ट, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर भारत की स्थिति। और ये अगर इधर का कहीं समय पूछा जाएगा कि भारत में इतने बजे हैं तो अभी पश्चिमी देशांतर पर क्या समय, पर्टिकुलर कोई समय दे देंगे, कोई स्थान हो, जैसे काहिरा का समय, काबुल का समय, या फिर
अमेरिका का कोई देश, अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क का पूछा गया कि न्यूयॉर्क में क्या समय होगा, जब यहाँ का समय देंगे और इस तरफ का हम निकालेंगे तो समय को माइनस किया जाएगा, और अगर हम देते हैं इसमें ये लेफ्ट साइड का, राइट का हमें निकालना है तो वहाँ पर प्लस किया जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल में आपको बताया जाएगा। तो आइडियल, खैर आइडियल क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जब हम पार करते हैं आइडियल को सीधी दिशा में तो वहाँ एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर यहाँ पर बुधवार है तो आइडियल पार करने पर वहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और कभी कभी विशेष कंडीशन में दो दिन भी जंप किए जाते हैं, वो आपको उसमें न्यूमेरिकल में बताया जाएगा। तो ये अक्षांश होते हैं और ये क्या हो जाएंगे, देशांतर। तो देशांतर क्या होते हैं, ये तो परपेंडिकुलर, और जो अक्षांश होंगे ये हॉरिजेंटली होते हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और एक मिनट में 1/4 डिग्री, या कहिए 1 डिग्री 4 मिनट में। और एक ये आइडियल। तो अब सवाल ये हुआ कि देशांतर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं। तो अगर हमें समय, किसी पर्टिकुलर स्थान का कोई समय या वहाँ का दिन देखना है तो हम देशांतर का सहारा लेते हैं। अच्छा, और अगर हमें क्लाइमेट देखनी है, जलवायु वहाँ का मौसम कैसा है, या तापमान या वायुदाब, तब हम अक्षांश से अनुमान लगाते हैं। तो अक्षांश के दो आंसर आए, अक्षांश हम क्या करते हैं, जलवायु यानी कि तापमान या वायुदाब पर्टिकुलर, और देशांतर से समय या दिन का अनुमान लगाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है ऐसे कि देशांतर पर जो सर्किल बनता है उसकी लंबाई कितनी होती है, या फिर वो किसके बराबर होता है। तो पहले अक्षांश का भी देख लेते हैं। अक्षांश में इनकी जो संख्या की अगर बात करते हैं, सबसे पहले संख्या देखिए आप, अक्षांशों की संख्या कितनी है। जीरो से हम 90 डिग्री आएंगे, 0 डिग्री 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 90 डिग्री 90। तो ये, और साउथ दक्षिण में कितने हैं, साउथ में 90 डिग्री आ जाएंगे, 90 90 और 90, और प्लस ये 0 डिग्री भी गिना गया है, 0 डिग्री यानी कि 1 ये, तो टोटल कितने हुए, 180 181। लेकिन क्या होगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हैं वहाँ पर हमें बिंदु के रूप में दिखाई देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल ये तो बिंदु के रूप में है, ये क्या है, दोनों बिंदु, बिंदु के रूप में जब होंगे तो 2 यहाँ से माइनस होगा, 179। अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि इस पर अक्षांश कितने हैं, अक्षांशों की संख्या 179 होनी कितनी चाहिए, जब ये 90 तक हम बात करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो 90 होनी चाहिए जब एक एक डिग्री के अंतराल पर इनको खींचा गया है, तो 90 ये हुए और दक्षिण में 90 यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे हम अक्षांश बढ़ते हैं 90 डिग्री पर, ये बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, तो जब ये दो बिंदु हैं, इसका मतलब ये पूरी लाइन नहीं, पूरा सर्किल नहीं बनाते हैं, ये बिंदु के रूप में केवल हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमने 2 माइनस किया। और ये 1 हमने क्यों जोड़ा था, ये भूमध्य रेखा के लिए, ये किसके लिए था, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की भी एक लाइन होगी बीच में 0 डिग्री, इसको भी जब गिना जाएगा तो 181 हो जाएंगे। इसमें से हमने 2 फिर माइनस क्यों किए, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होगा वो हमें बिंदु के रूप में दिखाई देगा, इसलिए हमने ये 2 माइनस किए हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 171। इसका आंसर होगा 179 171, अक्षांशों की संख्या। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर क्या सर्किल के बीच की डिस्टेंस कम होगी, नहीं, एज इट रहेगी। कितनी आपको बताई थी, 111.12 किलोमीटर हमेशा। ये भी लंबाई कितनी है, 111 किलोमीटर। हालांकि जो इनकी लंबाई छोटी होती चली जाएगी। अभी आपको बताया था कि जो 0 डिग्री पर लंबाई होगी भूमध्य रेखा पर अक्षांश की, वो 60 डिग्री पर लंबाई आधी हो जाएगी। अगर ये 100 मीटर की है तो ये 50 मीटर हो जाएगी, यानी कि जो सर्किल होगा पूरा, एक बोल अगर देखते हैं जैसे ये है, इसके चारों तरफ तो सर्किल बनेगा, लेकिन यहाँ की अगर व्यास की बात करें वो हमें दिखाई देगा। तो ये व्यास कहिए या इसकी त्रिज्या कहिए, व्यास अगर ये यहाँ पर 100 यूनिट है, इसमें व्यास कितना हो जाएगा, इसका आधा 50, अगर इसकी त्रिज्या 100 है तो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर इसकी सर्कमफ्रेंस 100 यूनिट है तो ये कितनी, 50 हो जाएगी, उसकी आधी होंगी, व्यास भी आधा होगा, उसकी त्रिज्या भी आधी होगी, उसकी परिधि भी आधी होगी, या कहिए अक्षांश की लंबाई भी आधी होगी। और अगर बात करते हैं हम 80 डिग्री, जैसे ही दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री हम जाएंगे, या दक्षिण में 80 डिग्री अक्षांश पर, वो लंबाई कितनी, 1/6 हो जाएगी उसकी,
त्रिज्या की लंबाई 1/6, व्यास की लंबाई 1/6 या उसकी परिधि की लंबाई 1/6 या अक्षांश की लंबाई भी 1/6 80 डिग्री पर। तो जैसे जैसे हम अक्षांशों का मान बढ़ते हैं उनके बीच की दूरी कम नहीं होती, हाँ ये लंबाई घट जाएगी इसकी। जैसे अगर हम ये सर्किल बनाएं, एक सर्किल ये बनेगा, फिर उससे छोटा ये बनेगा, फिर ये छोटा बनेगा, फिर ये छोटा बनेगा, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध पर जाकर ये बिंदु के रूप में दिखाई देगा हमें। तो जब ये गोला है तो इसकी हम भूमध्य रेखा जैसे हैं, फिर ये हमने 60 पर खींची, ये हमने 80 पर, ये इसकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। बाकी अगर इन सर्किल की ये बात करें, ये तो बराबर ही होगी दूरी 111, ये हुआ है ऐसे। तो इसके बारे में बताया गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि अक्षांशों के आधार पर ग्लोब पर सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पर बनता है? तो सबसे बड़ा सर्किल या वृत्त कहाँ बनेगा? 0 डिग्री पर। 0 पर सबसे बड़ा, यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त, भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, सबसे बड़ा वृत्त। और सबसे छोटा कहाँ बनेगा? सबसे छोटा 0 डिग्री पर बनेगा, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ये नगण्य हो गए, तो नगण्य वहाँ तो एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, ना तो उसमें त्रिज्या होगी ना उसमें व्यास होगा, बिंदु के रूप में। सबसे बड़ा सर्किल कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा पर। अच्छा जी, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? गोरे। और लंबाई कितनी होती है? वो डिस्टेंस 111.32 किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच की दूरी, क्या कहेंगे इसको हम? गोरे, ये गोरे हो जाएगा। अच्छा, तो गोरे की अधिकतम लंबाई 111 ये कहाँ पर होगी वो देखिए आप। प्रत्येक देशांतर जब ऊपर हम पोल पर मिलाएंगे, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर, किसी भी पोल पर है ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस है कम होती चली जाएगी, ऊपर भी कम है नीचे भी कम होती चली जाएगी। तो 111 ये कहाँ पर है? 111 तो इस पर है, ये 111 की, क्या यहाँ भी 111 है? नहीं, ये कम होती चली गई, कम होती चली जाएगी, ये कम होती चली जाएगी और इस पर एक यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी बिल्कुल ध्रुवों पर। तो अगर ये कहें कि गोरे या दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ? भूमध्य रेखा पर। दो देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी अधिकतम ये कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कितनी होगी? 111। और भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, ये दूरी कम होती जाती है, नगण्य हो जाएगी ये ध्रुवों पर। अच्छा, क्वेश्चन है कि इसमें जो सर्किल बनेंगे, जैसे 0 डिग्री है यहाँ पर, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ पर लिए हैं, तो ये तो पूरा सर्किल बनाएगा ना एक। इसमें सभी सर्किल की जितने भी वृत्त बनेंगे सबकी त्रिज्याएं या सबके व्यास या सबकी सर्कमफ्रेंस बराबर होंगी। इसमें जितने भी वृत्त बनेंगे, ये वृत्त 360 वृत्त, देशांतरों के वृत्त, वृत्त की माप, माप या इसकी त्रिज्या रेडियस या इसके ये सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी? परिधि, या फिर इसके व्यास, ये बराबर होते हैं, एक समान। जितने भी सर्किल बनेंगे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे होता है ना कभी कभी ऊन का आपने गोला देखा, ऊन के गोले को हम ऐसे लपेटते हैं एक दूसरे के धागे पर, तो उसमें जो सर्किल बनते हैं उन सर्किल की लंबाई बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगी, है ना। जैसे इस पर हमें कुछ लपेटना है ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे करके डस्टर पर, अगर हम गोला मान लें इसको, तो जितने भी सर्किल या जितना भी धागा हम लपेटेंगे इसके ऊपर वो सब क्या? बराबर हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर देशांतरों के वृत्त बनते हैं वो सब बराबर होंगे, जबकि अक्षांशों के माध्यम से अगर देखते हैं तो अक्षांशों के वो छोटे होते जाते हैं, ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर जाएँ या दक्षिण ध्रुव पर, वो छोटे होते चले जाएंगे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि जो गोरे की लंबाई है, गोरा यानी कि देशांतरों के गोरे और अक्षांशों के गोरे, तो देशांतरों के गोरे के पॉइंट में जो डिस्टेंस दी है ये बराबर वो दी है थोड़ी ज़्यादा इसमें। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि तापमान या फिर अक्षांशों के एक वायुदाब, वायु पेटिका है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।